आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की शादी को लेकर इन दिनों फैंस के बीच बज बना हुआ है। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो जल्द ही ये प्यारा कपल सात पैरों के बंधन में बन जाएगा। दोनों स्टार्स की शानदार फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है। ऐसे में फैंस इस कपल की शादी से जुड़ी छोटी और बड़ी हर बात जानने के लिए काफी बेताब है। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी को लेकर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि लगभग एक महीने पहले ही शादी में सिक्योरिटी को लेकर प्लानिंग की जा रही है ताकि शादी के दौरान किसी भी तरह से कोई कमी न रहे। अब हाल ही में महेश भट्ट के बेटे और आलिया भट्ट के सौतेले भाई राहुल भट्ट ने शादी में सिक्योरिटी को लेकर खुलासा किया है। राहुल भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा कि रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी को यूसुफ भाई ने संभाली है। मुंबई की बेस्ट सिक्योरिटी फोर्स 911 एजेंसी उन्हीं की है। उन्हें शादी में सिक्योरिटी के लिए हायर किया गया है। लगभग 200 बाउंसर्स इस एजेंसी से बुलाए गए हैं। राहुल ने आगे बताया कि 10 लड़के उनकी टीम से ही भेजे जाएंगे। राहुल भट्ट ने इस बारे में कहा कि एक्टर्स और उनके परिवार की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर खास रिक्वायरमेंट रखी गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें वो प्रभावशाली लक्ष्य के डिप्लोमेटिक और इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही विनम्र स्वभाव वाले और नॉन स्मोकर होने चाहिए। चेंबूर के आर के स्टूडियो और वास्तव दोनों जगह पर गार्ड तैनात किए जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि ड्रोन के काउंटर मेजर्स भी लगेंगे। रोविंग पेट्रोल ऑफिसर हर गेस्ट के साथ रखे जाएंगे। सिक्योरिटी को लेकर तगड़ी प्लानिंग हुई है। राहुल ने कहा कि वो भी सिक्योरिटी की देखरेख करेंगे और एक भाई होने का फर्ज निभाएंगे।